तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे पिछले गुरुवार यानी कि 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी प्रभास की फिल्म कल्कि। और दोस्तों कल्कि फिल्म ने सिनेमाघरों में पूरे 26 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुआ सिनेमाघरों में 27वां दिन चल रहा है। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है, दबड़तोड़ कलेक्शन कर रखा है और कई बड़े रिकॉर्ड्स साल 2023 और साल 2024 का वो तोड़ चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कल्कि फिल्म अपने पहले 26 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम सभी भाषाओं की बात करेंगे और आज 27वां दिन फिल्म का कैसा रहा है और फिल्म के 27 दिनों की जो टोटल कमाई है वो इंडिया के अंदर कितनी हो जाएगी, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी कलेक्शन हो जाएगा, इस फिल्म का बजट कितना था और ये फिल्म का कमाई करने में मामले में कैसा रहा, वो सब बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभास को एक बेहतरीन अभिनेता मानती हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म कल्कि की तो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में थी ये फिल्म और जब फैंस का इंतजार खत्म हुआ ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई तो फिल्म को आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिला, शानदार रेस्पॉन्स मिला। जो भी दर्शक थिएटर से देखकर निकल रहा था फिल्म की खूब तारीफ कर रहा था और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छे खासे स्टार दिए थे और यही वजह रही कि कल्कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह धमाल मचाने में कामयाब रही और बॉलीवुड के साउथ की कई बड़ी फिल्मों को ये फिल्म पीछे छोड़ दिया। अगर कल्कि फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो हम आपको बता दें कि ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी थी जिसको इंडिया के अंदर 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में। ये एक बड़ी एक्शन मूवी थी जिसका बजट लगभग 600 करोड़ रुपए का था। फिल्म को डायरेक्ट किया था नाग अश्विन ने और प्रोड्यूस किया था श्री अश्विनी दत्त ने और फिल्म में हमें बड़े स्टार कास्ट यानी कि अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, ब्रह्मानंदम जैसी सितारे अहम किरदारों में नजर आए थे। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमाघरों में तो अपने पहले दिन ये ओपनिंग ली थी 191.50 करोड़ रुपए की ओपनिंग पूरे वर्ल्ड से ले ली थी, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ले लिए थे और ये इंडियन हिस्ट्री की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है। इसके अलावा फिल्म ने अपने 4 दिनों के वीकेंड पर ही 324.15 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 555 करोड़ रुपए था। उसके बाद अपने पहले 10 दिनों में ये फिल्म ने 493.59 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो लगभग 860 करोड़ रुपए था। उसके बाद अपने पहले 20 दिनों में 626.79 करोड़ रुपए की कमाई पूरे इंडिया से नेट कर लिए थे, तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 1076 करोड़ रुपए था। उसके बाद 21वें दिन फिल्म का रहा 7.25 करोड़ रुपए का, 22वें दिन फिल्म का रहा 3.55 करोड़ रुपए, 23वें दिन फिल्म का रहा 3 करोड़ रुपए का, 24वें दिन 6.10 करोड़ रुपए और 25वें दिन 8.40 करोड़ रुपए का। और 25वें दिन तेलुगु भाषा की कमाई थी, तेलुगु भाषा में फिल्म ने कमा लिए थे 2.50 करोड़ रुपए, हिंदी भाषा में 4.95 करोड़ रुपए, तमिल भाषा में फिल्म ने कमा लिए थे 50 लाख रुपए, मलयालम भाषा में फिल्म की कमाई रही थी 40 लाख रुपए और कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म ने कमा लिए थे 15 लाख रुपए। इस तरह से जो 25वां दिन था यानी कि चौथा संडे वो रहा था 8.50 करोड़ रुपए का। तो अपने पहले 25 दिनों में फिल्म कल्कि 676.10 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, क्योंकि तेलुगु भाषा में 301 करोड़ रुपए, हिंदी भाषा में 379.30 करोड़ रुपए, 279.30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। और फिल्म कल्कि का जो हिंदी कलेक्शन है वो ट्रिपल आर फिल्म को भी पीछे कर चुका है। ट्रिपल आर मूवी जो हिंदी भाषा में जो कमाई कर चुकी थी उससे भी आगे निकल चुकी है फिल्म कल्कि, यानी 279.30 करोड़ रुपए कमाई कर चुकी है फिल्म कल्कि। और बाकी तमिल, कन्नड़ा और मलयालम से आ चुका है 73.90 करोड़ रुपए। तो फिल्म ने अपने पहले 25 दिनों में 655.10 करोड़ रुपए कर चुकी है और वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 788 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिया 342 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर फिल्म पूरे वर्ल्ड में 1130 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जो कि काबिले तारीफ है अपने पहले 25 दिनों में। 26वें दिन फिल्म का रहा 2.20 करोड़ रुपए, तो आज 27वां दिन है तो आज फिल्म का कम से कम 2 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, तो 27 दिनों की जो टोटल कमाई हो जाएगी वो 659.30 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 1140 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जो कि काबिले तारीफ है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है।